दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब बढ़ जाएगी प्राइवेट नौकरी करने वालों की पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को पूरे वेतन के आधार पर दे। इस फैसले के बाद अब रिटायर्ड कर्मचारियों को कई गुना बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अभी तक ईपीएफओ द्वारा अधिकतम 15,000 रुपए तक की सैलरी को आधार बनाते हुए ही पेंशन दी जाती थी। जानकारी के अनुसार पहले ईपीएस के तहत साल 1996 में अधिकतम 15,000 रुपयों का 8.33% भाग पेंशन के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत पेंशन की गणना फुल सैलरी बेसिक रिटेंशन बोनस के आधार पर की जाएगी। कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपए महीने है तो अब उसे हर महीने करीब 25,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत यह पेंशन सिर्फ 5,180 रुपए होता। केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में फिर से पेंशन की गणना का आधार रिटायरमेंट से पहले के एक साल को बना दिया और 5 साल वाली बाध्यता को खत्म कर दिया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा, जहां अक्टूबर 2016 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को पूरे वेतन के आधार पर पेंशन देने का फैसला दिया। इस फैसले के कुछ दिन पहले ईपीएफओ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख खोया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की याचिका खारिज करते हुए प्राइवेट कर्मचारियों को कई गुना बड़ी पेंशन मिलने का रास्ता साफ कर दिया। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।